नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 51 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स का। 50 तक आई थिंक कर चुके थे। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द इन्फ्लेशन, WPI भी एक इंडेक्स निकलता है, CPI भी निकलता है एक अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स के लिए, CPI के एग्रीकल्चर वर्क के लिए भी निकलता है, नेशनल इनकम डिफ्लेशन। तो CPI और WPI में डिफरेंस ये है कि CPI में वो चीज़ें हैं जो बायर्स के साइड से जो चीज़ें रहती हैं, जैसे कि वेजिटेबल, मिल्क और जो उसके रेगुलर एवरीडे बाइंग आइटम है, और WPI में ऐसी चीज़ें भी रहती हैं जो पेट्रोलियम वगैरह। CPI और WPI का डिफरेंस एक बार मैं देख लेता हूँ। WPI एंड CPI, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन WPI एंड CPI? दो वाइडली यूज टर्म है। WPI प्रोड्यूसर के साइड से होता है, फॉर्म से होलसेल डिपो के साइड से, CPI शॉप से कंज्यूमर के साइड से। ये बात तो मैंने बोली थी, एक प्रोड्यूसर के साइड से, एक परचेजर के साइड से है। CPI में जो बास्केट है उसमें एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड्स एंड बेवरेज, हाउसिंग, मेडिकल केयर, आर्ट ग्रुप है। WPI इज इंडिकेटर ऑफ प्राइस चेंज इन होलसेल मार्केट बिफोर रिटेल लेवल। तो डिफरेंस अगर देखा जाए तो WPI is amounts to the average change in price of commodity at the wholesale level, CPI at the retail level। WPI बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सही बात भी है, WPI इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है। CPI बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो दोनों का अलग अलग मिनिस्ट्री है। WPI गुड्स देखता है, CPI गुड्स एंड सर्विसेज दोनों देखता है। WPI फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन है, CPI फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन है। WPI में करीब 700 आइटम है और CPI में करीब 400-500 आइटम है। बेस ईयर दोनों का 11-12 हो चुका है। WPI बहुत कम कंट्रीज यूज करती हैं, ज़्यादातर कंट्रीज CPI यूज करती हैं। WPI और CPI, तो ट्रांजिशन आई थिंक हो चुका है इंडिया में WPI से CPI में। तो इंडिया में इन्फ्लेशन आई थिंक CPI, WPI, और देखना तो CPI से चाहिए, बट देखते किससे हैं ये डिपेंड करता है। आई थिंक आंसर देखा जाए इन्होंने क्या दिया है 51 का, 51 का ए, WPI। ये तो बड़ा गलत करते हैं। WPI का मॉडल तो दुनिया भर में कोई नहीं यूज करता है, सब लोग CPI यूज करते हैं, इंडिया इकलौता WPI यूज करता है। A rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect. What is the base effect? Base effect क्या मतलब, अगर हम base year change करेंगे कि किस साल के रिस्पेक्ट में इन्फ्लेशन देख रहे हैं, और मान लो जिस साल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उस साल प्राइसेस बहुत कम थे, तो अचानक से हमें प्राइसेस ज़्यादा लगने लगेंगे। तो बेस इफेक्ट इज इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। तो सी होना चाहिए 52 का, आई थिंक 52 का सी है बेस ईयर। 53 विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। WPI इज अवेलेबल ऑन ए मंथली बेसिस। WPI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिक्लेयर करती है। As compared to CPI for industrial workers, WPI gives less weight to food articles। क्योंकि WPI मैन्युफैक्चरर्स के बेसिस पे है, तो फूड का उतना नहीं है। CPI में फूड का ज़्यादा वेटेज है। तो एज ए कम्पेयर टू CPI, WPI फूड आर्टिकल्स को लेस वेटेज देगी, बिल्कुल सही है। मंथली होती है कि WPI की क्वार्टरली होता है, ये देखना पड़ेगा मुझको, बट अगर दोनों सही हैं तो सी, और दूसरा तो खैर सही है ही, बी, सी या बी में से कुछ होना चाहिए। 53 का बी है, यानी कि टू ओनली। WPI मंथली बेसिस पे नहीं होगा, अगर मंथली बेसिस पे नहीं होगा तो क्वार्टरली बेसिस पे होगा। WPI मंथली बेसिस वैसे भी मुझे ज़्यादा लग रहा था, मंथली और वीकली WPI मंथली होता है या वीकली होता है। WPI बेस्ड फिगर इफ रिलेटेड टू प्राइमरी कमोडिटीज फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी और रिलीज होने वीकली बेसिस, मैं तो समझ रहा था क्वार्टरली बेसिस पे होता है, यहाँ पे मैं गलत निकल गया। WPI वीकली बेसिस पे होता है। और CPI बेस्ड इन्फ्लेशन और इशूड एवरी मंथ, CPI मंथली होता है, WPI वीकली होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सिंगल पॉइंट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सही है। गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय केला यूनिट ऑफ निक, ये नहीं पता, 54 का 1 तो सही है, 54 का C दोनों सही है। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, आर्टिकल 131 है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, 55 का C, ये तो 100% हो गए, 55 का C ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, 131 आर्टिकल है वो भी बता सकता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमेटिव टायर्स एंड ट्यूब, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है कोई चीज़, तो ये टायर्स एंड ट्यूब्स के लिए मैंडेटरी है। एगमार्क क्वालिटी सर्टिफिकेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO तो यूनाइटेड नेशंस का, आई थिंक सेकंड नहीं सही है, फर्स्ट सही है, 56 का A, हाँ सही, फर्स्ट सही है। एगमार्क FOA से तो ना होगा, एगमार्क कौन देता है, एगमार्क मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देती होगी और क्या होगा। एगमार्क certification mark employed on agriculture product of India assuring that they conform to a set of standards approved by Directorate of Marketing and Inspection and attached office of the Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture के अंदर Department of Agriculture वहाँ से। Next question, the red data books published by the International Union for conservation of nature IUCN contain list of, रेड डेटा बुक में आई थिंक क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं, दोनों होते हैं, प्लांट भी होते हैं एनिमल भी होते हैं। पहला इंडेमिक प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंडेमिक तो बहुत सारे हैं, आई थिंक इंडेमिक नहीं है, थ्रेटेंड रहते हैं, सेकेंड होगा प्रोटेक्टेड साइट, IUCN में प्रोटेक्टेड साइट्स नहीं होती, सिर्फ B होना चाहिए मेरे हिसाब से, 57 का B, हाँ सही। IUCN कोई साइट्स के कंजर्वेशन के लिए नेम वो नहीं बताता रेड, IUCN कोई इंडेमिक स्पीसीज नहीं बताता रेड में, IUCN रेड में थ्रेटेंड स्पीसीज बताता है, ये अलग बात है कि प्लांट भी बताता है और एनिमल भी बताता है। 58 विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN एंड नेचुरल रिसोर्सेज and the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Which of the following statements are correct? देखते हैं। IUCN is an organ of the United Nations and CITES is an international agreement between governments. IUCN is an organ of the United Nations. IUCN is an organ of United Nations. CITES international agreement. IUCN, United Nations, और CITES इंटरनेशनल एग्रीमेंट. IUCN और CITES बने कैसे वो देखना पड़ेगा. IUCN और CITES. IUCN बना कैसे, मतलब IUCN is international organization working for nature conservation and sustainable use of natural resources. स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, वर्ल्ड वाइड. 1948 में बना था. मेंबरशिप एंड कंसल्टेटिव स्टेटस एज UN. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर. It was previously called the International Proclamation World Conservation Union. Established in 19 फ्रांस में हुआ था. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनेस्को ने किया था. मतलब IUCN कोई यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं. IUCN यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन नहीं है, इंडिपेंडेंट है. यूनेस्को से रिलेटेड कुछ हो सकता है बट ये यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन नहीं है. CITES इनफॉर्मल एग्रीमेंट है, IUCN एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट है. CITES के बारे में देखते हैं. CITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of flora and fauna, Washington Convention, multilateral treaty to protect the treaty. वो treaty नहीं था, IUCN कोई treaty नहीं है, but CITES एक treaty to protect endangered plant and animal. It was drafted as a result of resolution adopted in 1963 at a meeting of members of IUCN. IUCN से ही CITES आया है. और the convention was opened for signature and CITES entered into force 1975. ये मुझे लिखना पड़ेगा. सेक्रेटरी जनरल इज इवानो हुग्योरो और जिनेवा स्विट्जरलैंड. CITES की 40 इयर्स हो गए, 73 से 2013 के बीच में. तो ये मुझे इन्वायरमेंटल में ले जाना पड़ेगा. मैं गया UPPCS में, UPPCS में गया इन्वायरमेंटल. पेपर 2 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन्वायरमेंट IUCN मैंने लिख रखा है. इनफॉर्मल है, स्विट्जरलैंड में फॉर्म हेडक्वार्टर. IUCN में IUCN के भीतर ही CITES है. CITES एज पार्ट ऑफ IUCN और CITES जो है TT हुई थी 1973 में और CITES की TT तो IUCN का ही पार्ट है CITES. CITES के अंडर बैंड हैं कुछ स्पेसीज, इनकी ट्रेड नहीं हो सकते हैं. ज़्यादातर कंट्रीज ने रेटिफाई कर रखा है, कुछ ने नहीं कर रखा है. जैसे कि छोटी छोटी तिमोर, टर्कमेनिस्तान, तुवालू, सूडान और मीटिंग्स होती रहती है. मुझे लास्ट 2022 सेंट जॉस, पिछली हुई थी जिनेवा. नेक्स्ट प्लान है सेंजोस कोस्टा रिका में IUCN और साइट्स जो हैं, इक्लेसी एक भी है पर ये कोई बहुत फेमस नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो IUCN यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन नहीं है, साइट एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट, ये तो सही है, ट्रीटी है। IUCN रन्स थाउजेंड ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज नेचुरल एनवायरमेंट। नहीं, ऐसा कोई नहीं, IUCN कोई फील्ड प्रोजेक्ट नहीं चलाता, IUCN खाली डेटा देता है। CITES is legally binding on the states that have joined it, but this convention does not take the place of national laws। हाँ, ये बात सही है। तो थर्ड ओनली तो कोई है नहीं, फील्ड प्रोजेक्ट तो नहीं चलाता है यार, ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है। 58 समझ में नहीं आ रहा, 58 का बी मतलब 2 और 3। पहला तो खैर नहीं सही था क्योंकि IUCN यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन नहीं है, बट दूसरा तीसरा सही है। IUCN फील्ड प्रोजेक्ट चलाता है और साइट्स लीगली बाइंडिंग है जो इन्होंने ज्वाइन किया है, बट ये कोई लॉ नहीं बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ SCO? SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना और रसिया का मेन इसमें रोल है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में कजाकिस्तान तो हो सकता है बट उज्बेकिस्तान फाउंडिंग मेंबर नहीं लग रहा है, तो आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। 59 का सी ही निकला, जो मेरा गेस था बिल्कुल सही निकला। भाई कजाकिस्तान तो रसिया का पार्ट हो गया, आ गया। उज्बेकिस्तान थोड़ा दूर है, चाइना रसिया, ये एक्चुअली चाइना रसिया का ही कोलेब्रेशन है SCO, और ये मैंने कहीं ना कहीं लिख भी रखा होगा, चाइना में तो एक्सटीज कर रखा होगा, देखता हूँ मैं चाइना की जियोग्राफी में, वर्ल्ड जियोग्राफी, चाइना एंड ईस्ट एशिया, चाइना जापान कोरिया, इसमें मैं पॉलिटिकल जियोग्राफी पे आता हूँ, पॉलिटिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी कर रखी है मैंने, पॉलिटिकल जियोग्राफी नहीं कर रखी है। पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ ईस्ट एशिया, जल्दबाजी में लिखा है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं मुझे भी दिख रही हैं, लेकिन अभी नहीं। SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं मैप निकालने जा रहा हूँ SCO का। अभी कितने हैं, इंडिया भी घुस गया क्या मोदी जी खाने के नारे। SCO के मेंबर स्टेट चाइना, कजाक, किर्गिज, अब आ चुका है किर्गिज, और उज्बेकिस्तान भी, रसा, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। ऑब्जर्वर में डाल दिए हैं ये सब, अफगानिस्तान, बेलारूस, सिंगार, मंगोलिया, ये डायलॉग पार्टनर है, ये मैं स्टोर कर लेता हूँ। चाइना की पॉलिटिक्स का मेजर हिस्सा है SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन ये है, और कुछ SCO के बारे में 8 SCO में देख लेता हूँ, 8 ही है क्या, अभी भी चेंज हो गया। क्वेश्चन आ सकता है ना, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ SCO? SCO संघाई पैक्ट इज ड्यूरेशन अलायंस, संघाई में 2001 में चाइना, कजाक, किर्गिज, रसिया, ताजिक, उज्बेक लीडर्स थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उज्बेक भी था इनके हिसाब से, अब ये कह रहे हैं कि फाउंडिंग मेंबर नहीं था उज्बेक। ओरिजिनल 5 नेशन विद द एक्सक्लूजन ऑफ उज्बेकिस्तान पर प्रीवियसली मेंबर ऑफ संघाई 5 ग्रुप। अच्छा, उज्बेकिस्तान ओरिजिनल नहीं था, और अभी 8 हो गए हैं, इंडिया पाकिस्तान जोड़ने के बाद 8 कंट्रीज हो चुकी हैं अस्ताना में वो करके। आठ मेंबर स्टेट हैं SCO में, ये 8 जो SCO के मेंबर स्टेट हैं। आसियान में 10 हैं, वो तो मुझे याद है। SCO की बात करें संघाई कोऑपरेशन में तो 8 हैं। अगर पूछा जाए हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ आसियान, तो उसका आंसर होगा 10। अगर पूछा जाए हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ एससीओ तो उसका आंसर होगा 8। चाइना, कजाक, किर्गिज, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया पाकिस्तान है। तो 8 मेंबर हैं, 59 का सी हो गया। द मेन एम ऑफ एससीओ इज टू जनरेट कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर नेशंस ऑन। एससीओ का मेन एम क्या है? एससीओ का मेन एम क्या है? ऑर्डर इश्यूज, टेररिज्म, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑल ऑफ द अबव। एससीओ का मेन एम देख लेता हूँ। एससीओ का जो मेन एम है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, इनके बीच में रीजनल पीस है। बोरिस सेल्सिन और झांग जेमिन का इसमें मेन रोल था। अलायंस ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं इसको। डायलॉग पार्टनर, गेस्टर्न एक्टिविटीज, कोऑपरेशन ऑन सिक्योरिटी, मिलिट्री एक्टिविटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल कोऑपरेशन। सबमिट्स देखी जाए लेटेस्ट कौन सी है भाई? पिछली 2019 की किर्गिजिस्तान में बिश्केक में हुई थी, किर्गिजिस्तान में हुई थी, और अगली जुलाई 2020 तो चल ही रही है। उसमें रसिया, सेंट पीटर्सबर्ग और इंडिया डेट कंट्री। सबमिट विद हेड ऑफ गवर्नमेंट, सबमिट विद हेड ऑफ गवर्नमेंट, सबमिट विद हेड ऑफ स्टेट, सबमिट विद हेड ऑफ गवर्नमेंट, जुलाई 2020। मैं इसमें इंडिया क्यों लिखा हुआ है? रशिया, इंडिया। एससीओ की समिट का इंडिया से क्या लेना देना है? एससीओ समिट इंडिया, इंडिया इज होस्टिंग ए मीटिंग ऑफ द हेड स्टेट of government of SCO countries on the first time। अच्छा, ऐसा होना था, हो नहीं पाया। भाई एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नो डाउट। लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर एक्सपेक्टेड टू कम फेस टू फेस एज ए मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ SCO टू बी होस्टेड बाय इंडिया लेटर दिस ईयर। इवेंट विल ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम 8 SCO member state। India and Pakistan joined the SCO as full member in 2017। Russia is to hold a meeting of the head of state of SCO countries in July, but this year for the first time India is chairing one of the main SCO bodies, Council of Head of Government and Prime Ministers। अच्छा, head of state वाली रशिया में होनी थी, prime minister वाली जो main होगी वो इंडिया में होनी थी। अब ये कोरोना की वजह से हो कहाँ पाएगी? समझ गया, एससीओ की पूरी प्लानिंग समझ गया। 8 रसिया, चाइना, इंडिया अगर जोड़ लिए जाएंगे तो पाकिस्तान भी अगर आ जाएगा तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो जाएगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। पाकिस्तान वाले कहाँ हैं भाई? है तो नवाज शरीफ। मेंबर, ऑब्जर्वर, डायलॉग पार्टनर। और दो 2019 की समिट कहाँ हुई थी? बिश्केक में। ये तो मुझे पता होना चाहिए। एससीओ की 2019 की समिट बिश्केक में हुई थी। SCO के बारे में हमें पता चल गया है काफ़ी कुछ, 8 स्टेट कब बने, कैसे बने, इंडिया में मीटिंग होनी थी SCO की, लास्ट हुई थी बिस्केक में, इंडिया पाकिस्तान ने ज्वाइन कब किया है 2017 में, ये भी लिख लेता हूँ, इंडो पाक एक साथ ज्वाइन किए, यानी कि किसी को एक प्रेफरेंस दे दी जाए, चाइना ने मामला बराबर कर दिया। चलो अगले में चलते हैं, हो गया SCO के बारे में काफ़ी कुछ जानना। आसियान 10 SCO 8 मेन एम इज टू SCO ऑल ऑफ द एबो होना चाहिए, 60 का ऑल ऑफ द एबो, 60 का डी सही। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट AGR। AGR डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द आउटगो फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ टेलकॉस टू डॉट एट इज यूज टू कैलकुलेट द लेवीज as it is used to calculate the levies payable by operators (AGR). Telecom companies now owe the government not just the shortfall in AGR for the past 14 years, but also an interest on that amount, along with penalty and interest on that penalty. अजीब सा क्वेश्चन है। 61 का C दोनों सही है। AGR डायरेक्टली इम्पैक्ट द आउटगो फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ टेलीकॉम टू डॉट, ये वोडाफोन वाली क्राइसिस है क्या? ये AGR टेलीकॉम सेक्टर में AGR क्या था? लेटेस्ट टेलीकॉम What is it? Telecom sector was liberalized. Adjusted gross revenue. अच्छा ये टैक्स किस चीज पे लगा है उस पे लेके लफड़ा है। Adjusted gross revenue वो हिंदू ने तो बंद कर दिया देखने के लिए। इसमें देखते हैं CNBC वेटिंग। What is AGR and why are government and telecom firms in Supreme Court over it? The Supreme Court has adjourned hearing in the adjusted gross revenue case and asked the telecom companies to file their replies on how they plan to pay their remaining dues. AGR is a fee-sharing mechanism between government and the telecos, who shifted to revenue-sharing model in 1999 from the fixed license fee model. In this course, telcos are supposed to share a percentage of adjusted gross revenue with the government. Dispute start हुआ 10 सालों से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट किया कि टेलीकॉम पे करें 1 लाख करोड़ रुपये और काफ़ी सारा ड्यू है, लाखों करोड़ों का ड्यू है और भारतीय एयरटेल ने तो दे भी दिया 18,000 करोड़, वोडाफोन का करीब 58,000 करोड़ का ड्यू है, टाटा टेली का 16,000-17,000 करोड़ का ड्यू है, जियो का 200 करोड़ का ड्यू है। तो मतलब जियो को छोड़ के बाकी सबका भट्टा बैठना पक्का है। तो ये हो गया हमारा केस 61 का सी। विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इको सेंसिटिव जोन आर द एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है उसमें सेव कर रखा है कहीं ना कहीं। इको सेंसिटिव जोन क्या पुराने से था? इको सेंसिटिव जोन की नया डाला गया मामला। इको सेंसिटिव जोन आर एरियाज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इको सेंसिटिव जोन का टर्म आया कहाँ से है? इको सेंसिटिव जोन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इको सेंसिटिव जोन, AGR तो हो गया। eco-sensitive zones, other areas, wildlife protection at 1972. The purpose of the declaration of eco-sensitive zone is to prohibit all kinds of human activities in those zones except agriculture. ऐसा कुछ है क्या? 62 का D दोनों गलत है। इको सेंसिटिव जोन 1972 में तो नहीं है, इसलिए मुझे डाउट लग रहा था। और ये सारी एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करते हो ऐसा कुछ नहीं है। ये देख लेते हैं भाई क्या होता है इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन are the ecologically fragile areas or areas in India put by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, shock absorbers. They are regulated by central government through Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Regulation of such area in 2011. Environmental Protection Act 1986 does not mention the word eco-sensitive zone. तो ये टर्म आया कहाँ से है? इको सेंसिटिव जोन्स आर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज व्हिच डॉज इट्स फ्रॉम द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एक्ट में कहीं ऐसा नाम नहीं है। तो इको सेंसिटिव जोन यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा, इको सेंसिटिव जोन आया कहाँ से है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। ये मुझे कहीं लिखा ही नहीं मैंने, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये आया है 1986 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद बना था। अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आर्टिकल 253 कहाँ से आ गया इसमें? आर्टिकल 253 का यहाँ पे क्या रोल है? आर्टिकल 253 says power legislation for giving effect to international agreement. Okay, समझिए, legislation for giving effect to international treaties. Article 253, international treaties, Bhopal gas tragedy. ये बैकग्राउंड थे जब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया। और जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रखी गई दून वैली, अरावली और कोस्टल जोन, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स। बाकी इंडिया में एक एयर एक्ट है, एयर पोल्यूशन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 में, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, एयर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अलग है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 अलग। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए था, 1980 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। तो अगर हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, तो अगर हम इनके बैकग्राउंड में जाएं तो सबसे पहला जो है इंडिया में कुछ भी लागू हुआ था, बाहर IUCN और साइट्स जरूर हो गया हो, इंडिया में सबसे पहला आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रोजेक्ट टाइगर, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, फिर आया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और एयर पोल्यूशन उसके बीच में। तो अगर हमें टाइमलाइन बनाऊं तो पहले वाइल्ड लाइफ का आया, फिर आया 1972 के बाद, और वाइल्ड लाइफ के बाद आया प्रोजेक्ट टाइगर आया, फिर उसके बाद आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन आया, फिर उसके बाद एयर पोल्यूशन आया 1981 में, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आया। ये है टाइमलाइन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में उन्होंने डाला फिर नोएडा बोडा को। तो इको सेंसिटिव जोन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से नहीं है, इको सेंसिटिव जोन्स हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। तो ये गड़बड़ हो गया। दूसरा, ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोहिबिट नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर टू टैटूइंग? चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, HIV/AIDS। टैटूइंग से आई थिंक चिकनगुनिया तो नहीं होगा, HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। 63 + C 1 and 3। चिकनगुनिया हो सकता है, HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस नहीं हो सकता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। NTPC इज द लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी इन इंडिया। ONGC अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द LPG प्रोडक्शन फॉर इंडिया। IOCL ऑपरेट्स ऑल द रिफाइनरीज इंडिया। तो थर्ड तो वैसे ही गलत हो गया, IOCL को रिफाइनरी होंगी, हैं बरौनी वरौनी है, मालीगढ़ वगैरह है, लेकिन ये IOCL सारी तो ना ऑपरेट करता है, HPCL की भी है, BPCL की भी है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज द लार्जेस्ट डिपार्टमेंटल एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन इंडिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिफेंस के अंदर आती होगी, डिफेंस मिनिस्ट्री है। ONGC सारा हाफ ऑफ द LPG प्रोडक्शन एंड NTPC लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी। पहला सही लग रहा है, दूसरा सही लग रहा है, चौथा सही लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पहला दूसरा LPG प्रोडक्शन। ONGC LPG प्रोड्यूस कहाँ करता है? ONGC तो LPG एक्सप्लोर करता है, प्रोड्यूस तो क्या बोलेंगे, BPCL, HPCL, IOCL करते हैं। तो पहला चौथा D होना चाहिए। 64 का D मैं बिल्कुल सही बोल रहा था। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लार्जेस्ट डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, NTPC लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी है, बट ये ONGC का LPG प्रोडक्शन और IOCL सारी रिफाइनरी, ये गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स न्यू जो कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं। बेल II एक्सपेरिमेंट, ब्लॉकचेन, क्रिस्पर, Cas9। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच? बेल II मुझे पता नहीं, बेल II और कौन सा है? ब्लॉकचेन तो पता है, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी सही है। क्रिस्पर Cas9, क्रिस्पर Cas9 अभी बदल जाएगा। बेल II डिटेक्टर है, कुछ पार्टिकल वार्टिकल का लग रहा है। बेल एक्सपेरिमेंट इज ए पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, मुझे लग रहा था फोटोज से। हाई एनर्जी एक्सीलरेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन सुकाबा, जापान। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन तो एंटी पार्टिकल होते हैं, दोनों को मिला के क्या बना रहे हैं? बेल II इज एन अपग्रेड ऑफ बेल II एक्सपेरिमेंट। देखते हैं नया है क्या ये? बेल II पार्टिकल फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है जापान में, और 2018 में स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। Cas9 क्या है? जीन एडिटिंग। क्रिस्पर का पूरा नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक इन मोलिकुलर बायोलॉजी, जीनोम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मॉडिफाइड। अब इसमें Cas9 में 9 क्या है? Cas का फुल फॉर्म क्या है? Cas9 एक एंजाइम है, whose active form is able to modify DNA। अच्छा, तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी लग रही है मुझे। तो गड़बड़ क्या है? बेल II आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं, पहला गलत है। Which of the following pair are correctly matched? ब्लॉकचेन डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी सही है, CRISPR Cas9 पार्टिकल फिजिक्स गलत है, CRISPR Cas9 जीन एडिटिंग है। तो सेकंड ओनली, यानी कि 65 का बी होना चाहिए, 65 का बी। अगला, with reference to bitcoins, which of the following are correct? Bitcoins are tracked by central banks of the countries. Anyone with a Bitcoin can send and receive Bitcoin, दूसरा तो सही है। Online payments can be sent without either side knowing the identity of another, ये भी सही है। Second और 3 तो सही है, तो second and 3 only वाला B है, 66 का B होना चाहिए, 66 का B। हाँ सही बात है, सेंट्रल बैंक ट्रैक नहीं करती। Which of the following statement are correct? Viruses lack enzyme necessary for generation of energy। कोरोना वायरस का जो वायरस है, जो आरएनए बेस्ड होता है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस यही होता है कि आरएनए के पास एंजाइम नहीं होता नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, इसलिए वो दूसरे किसी सेल पे डिपेंड करती हैं। सही लग रहा है मुझे पहला। वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, एनी वर्ड बोल के गड़बड़ कर दिया है। वायरसेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली, ओनली वर्ड गड़बड़ लिखा है। 67 का 1 ओनली ऐसा लग रहा मुझे, 67 का ए। हाँ सही है, 67 का ए 1 ओनली। वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम में गलत है, पर्टिकुलर मीडियम चाहिए होंगे। और वायरसेस सिर्फ बायोलॉजिकल वेक्टर से जाती हो ऐसा भी नहीं, नॉन बायोलॉजिकल वेक्टर से जा सकती है। भाई कोरोना वायरस तुम्हारा किसी सरफेस पे लगा हुआ है, कोई बायोलॉजिकल वेक्टर तो है ना, सरफेस टू सरफेस जा रहा है ना। तो पहला सही है, वायरसेस के पास एंजाइम नहीं होते जिससे वो एनर्जी जनरेट कर सकें, तो इसलिए कुछ देर तक अगर किसी सरफेस पे वायरस लगा है और उसको एनर्जी का कोई सोर्स नहीं मिला तो वो खुद ब खुद मर जाएगा। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स। आई थिंक सबको कर सकता है, डी होना चाहिए 68 का। सही है, तीनों कर सकता है। वायरस सबसे बड़ा खून चूसू है। इन ट्रॉपिकल रीजन कोरोना वायरस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट डेंगू। या कोरोना मॉस्किटो से कहाँ होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस डिसीज इज पॉसिबल। हाँ पॉसिबल तो है। 69 का बी होना चाहिए, 69 का डी है, नाइदर वन नॉट टू। अच्छा ये गड़बड़ लग रहा है मुझे। Red data books published by IUCN contains list of endemic plant and animal species present in biodiversity output no, threatened yes, protected no। 70 का होना चाहिए B, 70 का B। 71, with reference to IUCN and the CITES, which of the following are correct? IUCN is an organ of, ये repeat कर रहे हैं क्या question? IUCN is an organ of United Nations no। IUCN रन थाउजेंड ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स यस, साइट्स इज लीगली बाइंडिंग यस, कर चुके हैं क्वेश्चन। दिनेश गोस्वामी कमेटी वाज कंसर्न विद डीनेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, स्टेप्स टू पुट डाउन इंसर्जी इन नॉर्थ ईस्ट, प्रॉब्लम ऑफ द चकमा सणा की दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये तो मुझे पता ही नहीं है। कब बनी है कमेटी? दिनेश गोस्वामी कमेटी। रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर एट इलेक्शन, अच्छा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे थी। वीपी सिंह ने एक कमेटी बनाई थी दिनेश गोस्वामी के अंडर, उस समय लॉ मिनिस्टर थे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बोला था। सील ऑफ लिक्वर, कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्शन में रिफॉर्म के लिए जयप्रकाश नारायण की बनी है, दिनेश गोस्वामी, जीवन रेड्डी, थारकुंडे, दिनेश गोस्वामी। नब्बे लेटेस्ट कौन सी? तनका वीरप्पा मोइली। देखते हैं तो 72 का होना चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बी, 72 का बी। 73 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट एडजसेंट एंड रीजन। द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। कहीं नहीं लिखा है वर्ड माइनॉरिटी। नहीं है तो यार माइनॉरिटी है तो कल्चरल रिलीजियस माइनॉरिटी है लेकिन डिफाइंड नहीं है। माइनॉरिटी वर्ड जरूर है बट डिफाइंड नहीं है, ये सही है। माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। माइनॉरिटी कमीशन ऐसा कोई इंडिया में है क्या? और वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है जब है ही नहीं इस टाइप का। हाँ 73 का माइनॉरिटी डिफाइन ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। 73 का दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 73 का ए होना चाहिए, 73 का बी है, सही है दोनों बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, माइनॉरिटी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। 74 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया। 5 कमेटी मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ज्यूराइस्टन माइनॉरिटी। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज विल गिव स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1993। स्मॉलेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी ज्यूराइस्टियंस, और ये तो सही है, थर्ड तो बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस लिंग्विस्टिक, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, फर्स्ट भी सही है, दूसरे का पता नहीं। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ तो है ही। तो फिर क्या होना चाहिए इसका? 74 का, 74 का है डी, 1, 2 एंड 4। 1, 2, थर्ड गलत है। स्मॉलेस्ट रिलीजियस जुरास्टियन, क्यों? इनमें और छोटा कौन है? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जुरास्टियन। इनके हिसाब से थर्ड सही नहीं है। स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया जुरास्टियन नहीं है। देखते हैं स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया। स्मॉलेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी और जैन्स, जैन्स को बोल रहे हैं ये, मुझे डाउट लग रहा है यार ये इस पे। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि जुरिस्डिक्शन उससे भी कम है। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर ऑफ स्टेट फॉल्स अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। 75 कितनी बार करेंगे? 75 का सी।